सीएनजी का रिस्पॉन्स है। इसमें कोई कटिंग वगैरह वेल्डिंग वगैरह कोई सीन है? कुछ नहीं होता, नट से फिट होता है। अच्छा। जाते लग जाते, कंपनी का बड़ा दबाव लग जाएगा, पुराना वाला पूरा निकल जाएगा बाहर और ये वाला पूरा फिट हो जाएगा। पुलिस वगैरह पकड़ ले तो उसके लिए भाई ने तगड़ा सिस्टम लगा के भाई साइलेंसर में क्या है ऑफ भी कर सकते हैं। तो भाई देख लो इसमें ऑन ऑफ दोनों आएंगे आपके। तो ये चालू हो गया, एक बार और करना भाई। ये ऑफ कर दिया, ये देखो। तो आप आराम से भाई इसमें ऑन ऑफ कर सकते हो। ये लग गया सबसे तगड़ा, ये लग रहा है। जय माता दी। Hey guys, welcome back to our YouTube channel। नई वीडियो लेके आए हैं और वो होने वाली भाई अल्ट्रोस की, दोस्त की थी, अच्छी लग रही थी, काफी मॉडिफाई कर रखी है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, अभी सीधा उससे बात कराऊंगा और मेरे को काफी अच्छी लगी, मतलब दिखाना तो आपको बनता है कि कैसे और क्या क्या काम भाई ने करा रखा है। सीधा आपको भाई से मिलाता हूँ। तो गाइस एक बार आप इसका ओवर व्यू देख लो, आपको वॉल क्राउन दिखा देता हूं पूरा। तो अल्ट्रोस है पूरी और ऊपर से ब्लैक टेप करा रखे फुल। और जो मेन इसका जो पॉइंट होने वाला है वो भाई इसका होने वाला है अपना एग्जॉस्ट, जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है और वो भी सीएनजी में। हाँ भाई सीएनजी है, सीएनजी में एग्जॉस्ट आपको सुनाऊंगा मैं अभी आके जाके कि सीएनजी में भी कैसा रिस्पॉन्स आता है इसका, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई अपना जी मैं भाई के देख लेना, आपके पास आस पास हो गए तो चले जाना। और बाकी ये एग्जॉस्ट कलर का, जो एग्जॉस्ट के बारे में बात करते हैं भाई से। और पहले आपको मैं ओवरऑल दिखा ही रहा हूँ पूरा। अलॉय व्हील देख लो इसके, ये वाले लगे हैं और लो प्रोफाइल टायर नहीं है भाई ने लगाया क्योंकि सड़क के हिसाब से अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी, तो अलॉय व्हील तो नहीं है। बाकी शेड्स वगैरह लगा रखे हैं सारे और लुक तो आपको देख लिया। सीधा भाई से बात करते हैं। खुशी क्या हाल चाल भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया भाई, और खुशी की गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी थी तो खुशी से पूछते हैं भाई क्या क्या आपने मॉडिफाई किया। सबसे पहले तो भाई अलॉय व्हील से आ जाओ, अलॉय व्हील का क्या रिस्पॉन्स रहा है और कितना टाइम होगा डलाए हुए? भाई अलॉय व्हील को हो गए लगभग लगभग 11-12 महीने हो गए, जब गाड़ी आई थी तभी डलवा दी मैंने। अच्छा, आते डलवा दिए थे? आते डलवा दिए भाई। और ये जो टायर डलवाए हैं भाई, ये थोड़े बड़े लगवाए कि वही साइज के लगवाए? ना भाई थोड़े बड़े हैं, कंपनी से आते 14 इंच के, ये है 16 इंच के। अच्छा, 16 इंच के लगाने के बाद इसमें जो गैप वगैरह कोई इशू नहीं आया ना वैसा? ना भाई कोई दिक्कत नहीं है, इससे बड़े लगवाते तो दिक्कत आती। इससे बड़े लगवाते मतलब 14 से दो ऊपर गया, मतलब 16 लगवाए हैं। तो 16 लगा के भी देख लो यार गाइस, कोई वो नहीं आया, कोई खराबी वगैरह नहीं आई, कोई इशू नहीं आया। और बाकी लो प्रोफाइल क्यों डलवाए भाई? लो प्रोफाइल में ना परफॉर्मेंस नहीं आता, गाड़ी की लुक तो बन जाता है लेकिन परफॉर्मेंस में मजा नहीं आता। अच्छा, और थोड़ा डर रहता है, ये कंपनी टायर है सीएट के। बढ़िया, तो सीएट के लगे हैं भाई। और अपनी अपनी चॉइस होती है आपको जो उनसे अच्छे लग रहे हैं, तो बाकी सीएट के टायर, तो टायर भी काफी अच्छे लग रहे हैं इसके साथ। और भाई क्या टेपिंग वगैरह करा रखी है? भाई टेपिंग करवा दी मैंने फरीदाबाद में, सेक्टर 28 में। अच्छा, और इसमें ये लाइट वगैरह में कुछ करवाया, ये भी टेपिंग करवा रखी है? ना भाई कंपनी की तरफ से आते हैं। अच्छा, ये कंपनी की तरफ से? हां। अच्छा यार मेरे को नहीं पता, कंपनी की तरफ से ही है। बाकी टेपिंग वगैरह करा रखी है। बाकी जो मेन होने वाला है भाई वो एग्जॉस्ट होने वाला है। पहले भाई एग्जॉस्ट सुना दो पब्लिक को क्या रिस्पॉन्स रहेगा। और ये एग्जॉस्ट भाई सीएनजी में चल रहा है ना अपना? भाई सीएनजी में चल रहा है अभी। तो ये भाई सीएनजी में रिस्पॉन्स आपको जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छा था, एक बार आपको सीधा ऑन करके दिखाते हैं सीएनजी में कैसे करेगा। पेट्रोल में नहीं है, सीएनजी में। और एक बार अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं। सुबह से ऑन करके काफ़ी लाउड होने वाला है, काफ़ी लाउड है भाई, और वो भी सीएनजी में रिस्पॉन्स है। और एक बार भाई पेट्रोल में करना, ये पेट्रोल में हो गया। अब पेट्रोल में देख लो भाई, पेट्रोल में थोड़ा ओवर साउंड हो जाता है, पर एज कम्पेयर टू सीएनजी वाला सीएनजी में भी इनफ है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है सीएनजी में भी। और बाकी अगर नॉर्मल अगर गाड़ी छोड़ देते हैं तो ये साउंड है। गाइस आपको एक और चीज़ चेक करा लेता हूँ, सीएनजी है देख लो, सीएनजी ले रखी है। तो सीएनजी में ही वो साउंड थी, काफ़ी लोगों को, मेरे को भी थोड़ा शौक ही होगा भाई सीएनजी में इतनी तगड़ी साउंड कैसे आ रही है। तो सीएनजी में ही है देख लो भाई, और इसको करते हैं हम बंद। मैं दिखा रहा था कि आप ऐसे प्लेस में जाते हो जहाँ पर आपको डाउट होता है भाई, काफ़ी लोग आपको कमेंट करोगे कि भाई इतना साउंड है, तो आपको पता है कुछ वगैरह की दिक्कत रहती है भाई, पुलिस वगैरह पकड़ ले। तो उसके लिए भाई ने तगड़ा सिस्टम करके भाई साइलेंसर में क्या है ऑफ भी कर सकते हैं इसे? भाई इसमें ऑफ है, ये एग्जॉस्ट जो है वेल्वेटोनिक एग्जॉस्ट है। अच्छा, ये इसका रिमोट है, इसमें ऑन ऑफ दोनों होते हैं। तो भाई देख लो इसमें ऑन ऑफ दोनों आएंगे आपके, तो इसी रिमोट से ऑन भी कर सकते हो, इसी रिमोट से ऑफ भी कर सकते हो। तो एक बार आपको ऑन ऑफ करके भी दिखा देते हैं। तो ये चालू हो गया, एक बार और करना भाई, ये थोड़ा भी एक बार ऑफ करो, ये ऑफ कर दिया, ये देखो। तो आप आराम से भाई इसमें ऑन ऑफ कर सकते हो, ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी।
अब देख लो फुल भी ऑफ हो गया भाई, बिल्कुल साउंड नहीं आ रही आपकी। और एक बार दोबारा से ऑन करके दिखाते हैं आपको, ये हो तो भाई ये काफी अच्छी चीज है। मुझे भाई एग्जॉस्ट का कौन सी कंपनी का होने वाला है, अपने कंपनी का कि लोकल है अपना? भाई अभी इसकी कंपनी आती है वेल्वेटोनिक कहते हैं। अच्छा हाँ, ये बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। तो इसमें गारंटी वारंटी कोई आती है? ना भाई, गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती इनकी। अच्छा, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, मतलब कंपनी का ले रहे हो या नॉन कंपनी ले रहे हो, क्या दोनों का ही सीन रहता है? सेम रहता है, मतलब कंपनी का ले रहे हो उसमें गारंटी वारंटी नहीं है। अच्छा, माइलेज का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है? माइलेज सबसे पहले आप पूछते भाई, पब्लिक लोग एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे कहते हैं मैं बना रखा है, फर्क पड़ता है भाई, हाई हाई पे में चलाओगे तो एवरेज तो गिरेगी गाड़ी की, मतलब थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा पड़ता है अपना शौक के लिए ले रहे हो, बाकी भाई माइलेज में मूलेज नहीं देख रहे हो, अगर ले रहे हो तो ये भाई है, बाकी ऐसे निकाला नुकोला कुछ नहीं है मतलब अपना? ना भाई कुछ नहीं निकाला, माइलेज वगैरह नहीं निकाला कोई। अच्छा खुशी, एक और बात बता, ये क्या बोलते हैं पड़ा कितने का भाई पब्लिक को, सबसे पहले ये बता दो भाई। ये पड़ा मुझे 25 का, और 5 का इसका बैंड पाइप चेंज होता है वो पड़ा, तो टोटल पड़ा मुझे 30,000 का। अच्छा, चेंज वगैरह पूरा होता है इसका बैंड पाइप? पूरा बैंड पाइप। अच्छा, इसमें कोई कटिंग वगैरह वेल्डिंग वगैरह कोई सीन है? कुछ नहीं होता, नट से फिट होता है, कोई जाते लग जाते, कंपनी का पड़ा दोबारा लग जाएगा, पुराना वाला पूरा निकल जाएगा बाहर और ये वाला पूरा फिट हो जाएगा, मतलब कोई वेल्डिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ? कोई कुछ नहीं करते। तो गाइस आपकी काफ़ी कंप्लेंट रहती है कि भाई अपना गाड़ी खराब हो रही है, वारंटी वगैरह सेट रही है, तो ऐसा कोई सीन नहीं, मतलब नेम में लगा के आप वापस वो भी लगा सकते हो, तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी आ रही है। ऐसे आजकल सब में ही आ रहा है प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम जो आ रहा है हर किसी में, तो ये भी अच्छी चीज़ है भाई। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, और कैसे लगी हुई आपको साउंड तो भाई बताना कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि CNG में इतनी तगड़ी साउंड आ रही है। और खुशी भाई एक और गाड़ी आ रही है भाई, ब्रेजा होने वाली है, वो उसका क्या करा रखा है मॉडिफाई वगैरह? भाई इसमें रूपले वगैरह लगाई है, छत ब्लैक करवाई है, रेलर व्हील लगवाए हैं, और साउंड सिस्टम अपग्रेड किया है, साउंड सिस्टम अपग्रेड किया उसमें, और वो भाई नई होने वाली, नई वाली ब्रेज है वो, तो वो भी आने वाले टाइम में, अगर टाइम लगा तो भाई द्वार से बनाएंगे उसकी वीडियो भी, उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो कौन से कलर की होने वाली हो? वाइट, वो भी वाइट होने वाली, वाइट से भाई को बहुत ज़्यादा प्यार है, अल्ट्रोस भी वाइट थी और अपना ब्रेजा भी वाइट होने वाली है। तो ये वाली कैसे लगी हो भाई कमेंट करके बताना, हम ज़्यादा मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के, तब तक भाई मोजो नहीं मिलते खोज लो, और खोजो जरूर पीस आउट। ठीक है भाई, CNG में, तो CNG में इतनी आवाज़ है सिलेंसर की, तो रिस्पॉन्स काफ़ी सही है। आप देखो, आप सुनो, ये CNG का रिस्पॉन्स है, रोर करियो तो खुशी, एक बार रोर करियो, एक बार रोड में भी देख लो कितना तगड़ा रिस्पॉन्स है।